Hello student, today we are going to discuss on the story of village Palampur economics chapter first. इस chapter के अंदर हम क्या जानेंगे कि कैसे एक imaginary village है जिसका नाम है पालमपुर और वहाँ पर किस चीज़ का production होता है, वहाँ के लोग क्या क्या काम करते हैं और कैसे अपना जो जीवन निर्वाह है वो करते हैं. तो इस lesson के अंदर हम ये चीज़ जानेंगे. सबसे पहले है introduction. तो जो पालमपुर है वो पहले ही बताया कि इमेजिनरी विलेज है, एक काल्पनिक गांव है और ये वेस्ट यूपी के अंदर पड़ता है. और जो रायगंज एक बड़ा गांव है जो पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूर है और वह उसके पास में एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है शाहपुर और जहां से ये लोग अपना बनाया हुआ माल वहां पे बेच देते हैं और ज़रूरत का सामान वहाँ से ख़रीदते हैं. तो अब हम जानेंगे कि इस गांव में जो प्रोडक्शन है वो किस प्रकार से होता है और यहाँ के लोग किस प्रकार से प्रोडक्शन को करते हैं. तो सबसे पहले जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन की. जो प्रोडक्शन है उसको उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होती है और उसके फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं. तो सबसे पहले है फैक्टर्स. द फैक्टर्स विच अफेक्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर लेबर्स, लैंड, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. और मतलब जो फैक्टर्स तथ्य हैं जिसके द्वारा हम प्रोडक्शन करते हैं तो वो चार चीज़ें जरूरी होते हैं किसी भी प्रकार के प्रोडक्शन के लिए. वो होते हैं लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल. और इसका मीनिंग क्या होता है प्रोडक्शन का मीनिंग, इट इज़ एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ ए गुड और सर्विस दैट अ पर्सन नीड्स. यानी जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है उसको प्रोडक्शन करना, उसका उत्पादन करना ही क्या कहलाता है, प्रोडक्शन कहलाता है. जो फैक्टर्स बताए गए थे जो प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं, सबसे पहले है लैंड. इट इज़ अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स रिक्वायर्ड एज एन इनपुट इन एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी, इट इज़ फिक्स्ड इन नेचर. ये सबसे ज़रूरी रिसोर्स होता है किसी भी प्रकार के प्रोडक्शन के लिए और ये नेचर के अंदर फिक्स होता है. मतलब जो लैंड है वो एक लिमिटेड फॉर्म में है. सेकेंड है लेबर. इट मीन्स फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट पुट इन बाय द ह्यूमन बींग्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. जो इंसान प्रोडक्शन करते हैं वो फिजिकली भी करते हैं और मेंटल एफर्ट भी देते हैं अपना जब भी प्रोडक्शन किया जाता है. अब आ जाता है फिजिकल कैपिटल. इट मीन्स वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन सच एज टूल्स एंड रॉ मटेरियल्स. तो जिस भी प्रकार जैसे हम प्रोडक्शन करते हैं तो उनके लिए क्या होता है कि हर स्टेज के ऊपर हमें कुछ टूल्स, औजारों की और कुछ रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, मतलब कच्चे माल की ज़रूरत होती है. तो इसको बोलते हैं फिजिकल कैपिटल. इसको फिर हम आगे चल के टू टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं. फर्स्ट है फिक्स्ड कैपिटल, सेकंड है वर्किंग कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, इट इज़ ड्यूरेबल इन नेचर एंड कैन बी यूज्ड ए नंबर ऑफ टाइम्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड सच एज टूल्स एंड मशीन्स. ये एक बार अगर हमने खरीद ली तो हमारे पास लंबे टाइम तक रहेगी और हम उनका बार बार यूज कर सकते हैं. जैसे ये टूल्स होते, औजार होते और मशीनें हैं. और दूसरा है वर्किंग कैपिटल. इट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, दीज आर यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. हमारे पास जो पैसा होता है हाथ में, बैंक में या कहीं पे भी रख रखा हो तो उसको बोलते हैं हम वर्किंग कैपिटल. और ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है किसी भी प्रकार के प्रोडक्शन के लिए. फोर्थ है ह्यूमन कैपिटल. इट रेफर्स टू नॉलेज एंड एंटरप्राइज दैट आर रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल टू प्रोड्यूस एन इनपुट. जब तक ह्यूमन कैपिटल, मतलब जिसको ह्यूमन रिसोर्स भी बोल सकते हो आप, सेकेंड चैप्टर के अंदर हम इसके बारे में पढ़ेंगे. तो इसके अंदर ये बताया गया कि जो ह्यूमन होते हैं उनकी जो नॉलेज और उनकी जो एंटरप्राइज होते हैं तो वो साथ मिलाकर जो लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल है उनको, उनके द्वारा फिर क्या करते हैं, वो प्रोडक्शन करते हैं. तो अब हम ये देखेंगे जो पालमपुर है उसके अंदर फार्मिंग कैसे होती है, खेतीबाड़ी कैसे होती है, फार्मिंग इन पालमपुर, पालमपुर के अंदर खेती कैसे होती है. तो आप सबको पता है कि लैंड क्या है, फिक्स है, फिक्स लैंड है. फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर. सम वेस्ट लैंड कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड. लैंड फिक्स होने के कारण यहाँ की जितनी भी ज़मीन है उसको क्या कर लिया गया है, कन्वर्ट कर लिया गया है. जो भी वेस्ट लैंड थी, बंजर भूमि थी, अब उसको कल्टिवेबल लैंड बना दिया गया है.
अब उसको फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया है। और यहाँ के लोग क्या करते हैं, मेन एक्टिविटी क्या है, फार्मिंग है। अब यहाँ पर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, क्रॉप सीजन इन पालमपुर, फर्स्ट है खरीफ सीजन एंड सेकंड रबी सीजन। खरीफ सीजन इट इज आइडेंटिफाइड विद रेनी सीजन, क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग दिस सीजन आर ज्वार एंड बाजरा, दीज आर यूज्ड एज कैटल फीड। खरीफ सीजन जो फिलहाल अब मई जून के महीने में बोया जा रहा है उसको हम बोलते हैं खरीफ सीजन, और इसके अंदर ज्वार और बाजरा है वो बोया जाता है, और इसको रेनी सीजन भी बोल सकते हैं हम। और खरीफ सीजन के अंदर क्या होता है, जो फसलें हैं वो मई जून जुलाई के अंदर बो दी जाती हैं और नवंबर और से लेकर जनवरी तक काट ली जाती हैं। और दूसरा है रबी सीजन, इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ आइडेंटिफाइड विद विंटर और ड्राई सीजन, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, जो सर्दी की ऋतु में या सूखे मौसम में बोई जाती है। वीट है वो उसका सबसे इम्पोर्टेंट, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है वीट। शुगर केन भी बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर बोया जाता है, और इसका जो टाइम है वो अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं और इसको अप्रैल से मई तक इसको काट लिया जाता है। अब है क्रॉपिंग पैटर्न्स, अब इसको कैसे मतलब किस तरीके से वो फसल बोते हैं। फर्स्ट है सिंगल क्रॉपिंग, इन दिस वन सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ड्यूरिंग ए ईयर ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड, यानी साल के अंदर एक जो दी हुई जमीन है, एक निश्चित लैंड है, उसके ऊपर एक सिंगल क्रॉप उगाई जाती है, केवल एक ही फसल उगाई जाती है, उसको बोलते हैं सिंगल क्रॉपिंग। अब डबल क्रॉपिंग, इन दिस टू क्रॉप्स आर रेज ड्यूरिंग ए ईयर ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड, इसके अंदर क्या होता है, एक साल में दो फसल बोई जाती है। अब हम मल्टीपल क्रॉपिंग, इन दिस थ्री और मोर क्रॉप्स आर रेज ड्यूरिंग ए ईयर ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड। देखो रबी की फसल भी बोई जाती है और खरीफ की फसल, इनके बीच में थोड़ा सा टाइम बच जाता है 1-2 महीने का, उसके अंदर ये लोग एक और फसल उगा लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम जायद की फसलें, उनको बोला जाता है। तो अब यहाँ पर जो फसल करते बोते हैं तो उनके लिए हमें किस किस की चीज़ की ज़रूरत होती है, वेल डेवलप्ड इरीगेशन सिस्टम, रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ट्यूबल्स फॉर इरीगेशन, यूज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड, सरप्लस वीट प्रोडक्शन। अब इनसे ये चीज़ें हमें मिलती हैं। सबसे पहले तो क्या होता है कि इन फसलों को बोने के लिए सबसे अच्छा क्या होना चाहिए, जो इरीगेशन सिस्टम है, सिंचाई जो विधि है वो सही तरीके से विकसित होनी चाहिए, और यहाँ पर रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट और प्राइवेट ट्यूबवेल हैं जो इरिगेशन के लिए यूज किए जाते हैं वो भी अच्छे से काम कर रहे हैं पालमपुर के अंदर। और जो सरप्लस वीट प्रोडक्शन है तो वो क्या होता है, वो जो मॉडर्न टेक्निक अपना रखी है उन्होंने, उसके उस उसको क्या करते हैं, जो सरप्लस गेहूँ बचता है उसको मार्केट में बेच देते हैं, और उससे फिर वो नई नई चीज़ें खरीदते हैं। अब दे रखे हैं फार्मिंग मेथड कि कौन कौन से जो मेथड यूज किए जाते हैं खेती करने के लिए। फर्स्ट है ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड, इसके अंदर जो पुराने टाइम से क्या करते आ रहे हैं, जैसे जो बैलों से खेती करते आ रहे थे या फिर कुओं से पानी देना वगैरह। और सेकंड है मॉडर्न फार्मिंग मेथड, तो फर्स्ट को देखते हैं, दीज इंक्लूड प्रैक्टिसेस विच इंडियन फार्मर हैव बीन यूजिंग फ्रॉम मैनी जनरेशन, यूज ऑफ ए पेयर ऑफ बुलक्स फॉर प्लोइंग द फील्ड, ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल्स, ट्रांसपोर्टिंग प्रोड्यूस टू द मार्केट थ्रू बुलक कार्ट्स, फार्मिंग वर्क विद ट्रेडिशनल वुडन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, ऑर्गेनिक मैनर प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द सोयल, रिजल्ट लो प्रोडक्टिविटी। यानी जो पुराने तरीके अपनाएंगे, बैलों से वो हल चलवाएंगे, कुओं से पानी भरेंगे, और जो मैन्योर है, जो खाद वगैरह डालेंगे वो भी ऑर्गेनिक होगा, जैविक खाद होगा, तो उससे क्या होगा, जो फर्टिलिटी है वो बढ़े तो होगी लेकिन जो प्रोडक्शन है वो कम होगा। अब सेकंड है मॉडर्न फार्मिंग, दिस इंक्लूड्स यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मशीनरी, यूज अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड इरीगेशन फैसिलिटीज, हाई यील्डेज वैरायटी ऑफ सीड्स जिसको HYV सीड्स बोलते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ट्यूबवेल्स एंड कैनल्स एज सोर्सेज ऑफ इरीगेशन, मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स, रिजल्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड इंक्रीज मेन
होल्ड। अब क्या होता है, इन चीज़ों का अगर यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मशीनरी का और जो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स हैं अगर उनका यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज का, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, ट्यूबवेल से पानी देते हैं, तो क्या होता है, जो फसल है वो अच्छी होती है, प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे दे रखे यील्ड। यील्ड क्या होती है, जिसका मीनिंग है यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग ए सिंगल सीजन। मतलब इस साल के अंदर एक दी हुई जमीन के ऊपर जो फसल बोई जाती है, जिसको हम उपज बोलते हैं, तो इस यील्ड का मतलब होता है उपज, कि एक साल के अंदर कितनी उपज होती है एक दी हुई जमीन के टुकड़े के अंदर। मेथड टू इंक्रीज यील्ड्स, एडॉप्शन ऑफ मल्टीपल फार्मिंग, एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। तो यील्ड्स को बढ़ाने के यानी उपज को बढ़ाने के तरीके कौन कौन से हैं, एक तो मल्टीपल फार्मिंग कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 फसलें लीजिए, और दूसरी है मॉडर्न फार्मिंग मेथड अपनाइए आप। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ स्प्रेडिंग इलेक्ट्रिसिटी इन पालमपुर, इट हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इरिगेशन सिस्टम, इट हेल्प्स फार्मर्स टू शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल पर्शन व्हील्स टू इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स, इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स हैव मोर कैपेसिटी देन पर्शन व्हील्स, इट लीड्स होल सोसाइटी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। अब इसके अंदर ये दे रखा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है पालमपुर, उसके एडवांटेज क्या क्या है, तो इसके अंदर कि भी वो इरिगेशन के लिए काम आती है, और रात के अंदर अंधेरे के अंदर उनको उजाला देने के काम आती है, और जो बिजली से चलने वाले जो ट्यूबवेल्स वगैरह हैं तो वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा कैपेसिटी होती है उनको, उनका जो ज़मीन से पानी निकालने की, तो इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज़्यादा कारगर है। अब हम विल द लैंड सस्टेन, कि क्या जमीन है वो वहन कर पाएगी, जब हम नए नए तरीके अपनाएंगे, मॉडर्न टेक्निक अपनाएंगे जमीन को फर्टाइल बनाने के, और जो ज़्यादा यील्ड्स को लेने के, ज़्यादा उपज को लेने के लिए। तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि हमें फसल तो अच्छी मिल जाएगी, लेकिन हम जितना जो DAP यूरिया वगैरह डालेंगे या पेस्टिसाइड्स का यूज करेंगे, तो उसके बाद जो ज़मीन है उसकी जो फर्टाइल है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो उस इसलिए क्या होता है, उसके जो परिणाम होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, लेस ऑफ सोइल फर्टिलिटी, रिड्यूस ग्राउंड वाटर टेबल, कि ये उसके डिसएडवांटेज हमें मिलते हैं। मीनिंग किस चीज़ का है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखो जो 1960s और 1970s के बीच में हमारे यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन आई थी, और उसका सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट था वो पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न जो यूपी है वहाँ पे पड़ा था। तो मीनिंग क्या है, रिवॉल्यूशन ब्रॉट अबाउट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर बाय यूजिंग हाई यील्डिंग वैराइटीज ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरीगेशन, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स एक्सेट्रा इन द लेट 1960s इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो जब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, भारत की सरकार है, तो उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन नाम की एक योजना थी वो चलाई थी, जिसके द्वारा किसानों को नए नए तरीके जो मॉडर्न टेक्निक है वो सिखाई गई थी, और ये आपने 8th क्लास के अंदर भी पढ़ा है। तो इसका सबसे ज़्यादा जो जो बेनिफिट है वो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को मिला था। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन के एडवांटेज क्या होते हैं, तो इसके अंदर हम ये देखते हैं, हम यील्ड का जो हाई वैरायटी ऑफ सीड्स होते हैं उनका यूज कर लेते हैं, तो उसके एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो इसके अंदर हम एडवांटेज देखते हैं, हाई यील्ड ड्यू टू यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स, यूज ऑफ मशीन्स सच एज ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स हैव मेड प्लोइंग द एंड हार्वेस्टिंग फास्टर एंड इजियर, हायर यील्ड एनेबल्ड फार्मर टू सेल द सरप्लस फूड इन द मार्केट टू अर्न मोर मनी, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स आर एबल टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट एंड इंसेक्ट, ए गुड इरीगेशन सिस्टम कैन एनहेंस क्रॉप प्रोडक्शन। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इसके एडवांटेज हैं। और यहाँ पर जो लैंड है जो पालमपुर के अंदर, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर कितने हैं, 450 फैमिली हैं, जिनके अंदर जो ज़मीन है वो हेक्टेयर के अंदर जो मापी जाती है, तो जो ज़मीन का हिस्सा है 450 फैमिली में से 60 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है, और 240 फैमिली ऐसी हैं इनमें से जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है, और 150 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास कोई भी ज़मीन नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं,
जो जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वो लेबर भी रखते हैं, और उनके पास जो भी प्रोडक्शन होता है वो उसको बेचते हैं सरप्लस प्रोडक्शन को, और फिर आगे के लिए ज़्यादा पैसे कमाते हैं। उसके बाद है डिसएडवांटेज, लॉस ऑफ सोयल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर, कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज रिड्यूस द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सोयल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर मैनी ईयर्स, वंस डिस्ट्रॉयड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर दम, केमिकल फर्टिलाइज डिजोल्व इन द ग्राउंड वाटर एंड पोल्यूटेड, दे किल बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हेल्पफुल फॉर द सोयल। इंक्रीज्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर कैन मेक द सोयल अल्कैन, लेट 1960s इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। अब इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, क्योंकि ज़्यादा चीज जिस भी चीज़ का हम ज़्यादा यूज करेंगे तो उसके हमें नुकसान भी होंगे, तो इससे जो ग्राउंड वाटर है वो कम हो गया है। और कई ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं जो ग्राउंड के अंदर जो वाटर है उसके अंदर मिल जाते हैं, और वो फिर पानी को भी दूषित बना देते हैं। और कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे सोयल के लिए हेल्पफुल होते हैं, तो जो हम पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं तो वो क्या कर देते हैं, बैक्टीरिया को मार देते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जो 1960 के अंदर पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी उनके अंदर फर्टिलाइजर्स का यूज़ से जो सोयल की जो क्वालिटी थी वो है कम, उसके अंदर कमी आ गई थी। अब देखते हैं लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, पालमपुर के अंदर जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैंने अभी अभी बताया था कि 450 फैमिलीज हैं, तो अन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का, 1/3 ऑफ पीपल आर लैंडलेस, जो मैंने बताए थे 150 पीपल्स ऐसे हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, हाफ ऑफ द पीपल हैव स्मॉल प्लॉट्स एंड लैंड, 60 फैमिलीज हैव लार्ज एंड मीडियम फार्मर फार्म्स, हु विल प्रोवाइड लेबर, जो लेबर है वो कौन प्रोवाइड करेगा, सबसे पहले स्मॉल फार्मर, मीडियम फार्मर और लार्ज फार्मर। तो जो स्मॉल फार्मर हैं वो क्या करेंगे, कल्टीवेट देयर ओन लैंड, जो छोटे किसान होंगे वो तो अपनी खुद ज़मीन का खुद ही कल्टीवेट करेंगे, उनको बोएंगे। मीडियम फार्मर हैं वो हायर लेबर्स करेंगे, जो लेबर हैं उनको लगाएंगे। लार्ज फार्मर भी क्या करेंगे, लेबर्स को लगाएंगे। अब है कैपिटल फॉर फार्मिंग, कि जो फार्मिंग के लिए पैसा है वो कहाँ से आएगा, कैसे लगाएंगे वो, स्मॉल फार्मर एंड लैंडलेस लेबर्स, और सेकंड है लार्ज एंड मीडियम फार्मर। जो स्मॉल फार्मर और लैंडलेस लेबर हैं वो क्या करेंगे, बोरो मनी फ्रॉम मनी लैंडर्स एंड ट्रेडर्स, वो क्या करेंगे पैसा उधार लेंगे जो मनी लैंडर्स होते हैं जो पैसा देते हैं उनसे, और जो व्यापारी हैं उनसे पैसा लेंगे, जिनको हम आड़ती भी बोलते हैं। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, उनका ब्याज ऊंचा होगा, लोन पेमेंट डिफिकल्ट, और जो लोन की सुविधा है उनके लिए मुश्किल होती है, यानी कि जो बैंक से है लोन है बड़ी मुश्किल से मिलता है। अब लार्ज एंड मीडियम फार्मर है वो क्या करेंगे, बड़े बड़े फार्मर हैं, यूज सेव्ड मनी, जो पैसा बचा रखा है उसका यूज करेंगे, लैंड मनी टू स्मॉल फार्मर, और वो क्या करेंगे, जो छोटे किसान हैं उनको पैसा देंगे ब्याज पे, बाय कैटल ट्रैक्टर्स और सेटअप शॉप्स, उन्होंने फिर जो सरप्लस जो आय होती है उससे क्या करते हैं, वो अपने पशु खरीदते हैं, ट्रैक्टर्स खरीदते हैं, और जो दुकानें वगैरह हैं वो सेटअप करते हैं। अब आ जाता है सेल ऑफ सरप्लस प्रोड्यूस, जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं वो अपना जो सरप्लस प्रोड्यूस है जो प्रोडक्ट है उसको बेच देते हैं। स्मॉल फार्मर्स यूज सब्सटेंशियल शेयर फॉर फैमिली नीड्स, वो क्या करते हैं, जो भी पैदा होता है वो उसके परिवार के लिए गुजारा में चला जाता है, परिवार का गुजारा ही हो पाता है। और जो लार्ज एंड मीडियम फार्मर है वो अपने अनाज को क्या करते हैं, मार्केट के अंदर बेच देते हैं। और लास्ट टॉपिक है इसका नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर, पालमपुर के अंदर जो खेती के अलावा कौन कौन सी जो एक्टिविटी है वो की जाती हैं। फर्स्ट है डेयरी फार्मिंग, जो लोग खेती के साथ साथ पशु पालते हैं और अपना दूध का काम करते हैं, और सेकंड है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जिसके अंदर छोटे छोटे से जो इंडस्ट्री होते हैं घर के अंदर, जो हाथ से जो हैंडक्राफ्ट्स होते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना या फिर कोई हाथ का कढ़ाई सिलाई का काम करना, तो वो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आता है। तो
और फिर उसके बाद है शॉपकीपर्स, यहाँ पर कुछ दुकानदार भी हैं थोड़े से जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने जो दूर शहर की बजाय अपने गांव के अंदर ही शॉप्स खोल रखी हैं ताकि वो अपने परिवार का गुजारा कर सकें। तो इसके अंदर दो तीन एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, एक तो जो सविता है उसका एग्जाम्पल दे रखा है इसके अंदर कि कैसे वो एक छोटी सी एक फार्मर है और जो एक बड़े जो क्या नाम है इसका तेजपाल सिंह उससे पैसे लोन पे लेती है और वो उसको 20% यानी कि 24% ब्याज पे उसको पैसे देता है और 3,000 रुपये देता है वो भी 24% के हिसाब से। और उसने ये कहा कि वो जब तक तेरी ये फसल आ जाती है 4 महीने के अंदर तब तक के लिए दे रहा है, उससे ज़्यादा टाइम के लिए वो पैसे नहीं देगा। तो वो एक शर्त और भी रखता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, 35 रुपये पर डे यानी 35 रुपये पर डे के हिसाब से उसके खेतों में यानी तेजपाल के खेतों में एज ए फार्म लेबर काम करेगी जब उसकी फसल पक के तैयार हो जाएगी। यानी तेजपाल के खेतों के अंदर जब फसल पक कर तैयार हो जाएगी तो जो सुविता है वो 35 रुपये पर डे के हिसाब से खेत में एक लेबर की तरह काम करेगी। और इसलिए क्या होता है उनको जो बैंक का लोन है वो क्यों नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो बैंक से वैसे तो लोन लो रेट पे मिल जाता है और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाता है, लेकिन सविता जैसे छोटे जो फार्मर हैं उनको बैंक है वो लोन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए क्या होता है जो छोटे छोटे फार्मर हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ऐसे ही दो तीन एग्जाम्पल दे रखे हैं इस लेसन के अंदर, वो आप इजीली पढ़ सकते हो। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।